वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2014 के इंडिया के फुल स्क्वाड के बारे में। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2014 में टीम इंडिया ने खेले हुए 6 में से 5 मैच जीते थे, लेकिन बस क्वार्टर फाइनल में हारने की वजह से उनको बाहर होना पड़ा था। टीम इंडिया के स्क्वाड में रहने वाले बैट्समैन थे कैप्टन विजय जॉल, ये एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और उन्होंने 5 मैचेस में 120 रन बनाए थे। सरफराज खान, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इन्होंने 6 मैचेस में 211 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर, ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इन्होंने खेले हुए 3 मैचेस में 161 रन बनाए थे। अखिल हेरवटकर, ये एक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, इन्होंने 6 मैचेस में 130 रन बनाए थे। रिकी भुई, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इन्होंने 4 मैचेस में सिर्फ 15 रन बनाए थे। टीम इंडिया के पास रहने वाले विकेट कीपर्स थे संजू सैमसन, ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, 267 रन बनाकर वो टीम के हाईएस्ट रन गेटर थे। अंकुश बेंस, ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इन्होंने 6 मैचेस में 195 रन बनाए थे। इंडियन टीम के पास रहने वाले ऑलराउंडर्स थे दीपक हुड्डा, इन्होंने बैटिंग के साथ 235 रन बनाकर टीम के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे और 11 विकेट्स लेकर टीम के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। आमिर गानी, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, इन्होंने खेले हुए 4 मैचेस में 7 विकेट्स लिए थे। आतिथ शेठ, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है, इनको बस एक ही मैच में खेलने का मौका मिला था। टीम इंडिया के पास रहने वाले स्पिन गेंदबाज थे कुलदीप यादव, ये एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलर है, 14 विकेट्स लेकर वो टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। करण कायला, ये एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, इन्होंने 2 मैचेस में खेलते हुए 3 विकेट्स लिए थे। आखिरकार टीम इंडिया के पास तेज गेंदबाज थे चामा मिलिंद, ये एक लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है और इन्होंने खेले हुए 6 मैचेस में 7 विकेट्स लिए थे। मोनू कुमार, ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है, इन्होंने खेले हुए 3 मैचेस में 4 विकेट्स लिए थे। आवेश खान, ये एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, इनको बस 2 ही मैच में खेलने का मौका मिला था। इस स्क्वाड के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने 6 में से 5 मैच जीते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सा होगा वो कमेंट्स कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आखिरकार प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट लवर को सब्सक्राइब कीजिए।